नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा पे। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 70 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 17 जनवरी 2022 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 10, जिसे हम सर्कल के नाम से जानते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। इसको इस वर्कशीट को करने के लिए हमें वृत्तखंड और चतुर्भुज की समझ होनी चाहिए। अब देखिए, ये दी गई आकृतियां हैं, इसमें देखते हैं क्या ABCD के जो सारे शीर्ष हैं वो वृत्त पर है, वृत्त के ऊपर है, और यहाँ पे MNOP के जो शीर्ष है उसमें से P अंदर है, बाकी तीन जो है वो शीर्ष वृत्त के ऊपर है, और एक पी बिंदु अभ्यंतर है। तो जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर उपस्थित हो, वृत्त के ऊपर हो, तो उसको हम कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। तो इस प्रकार ABCD के चारों शीर्ष वृत्त पर है, तो इसलिए हम ABCD को चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे, क्योंकि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर है। अब आइए इसको हम देखें कागज पे बनाएं। आप क्या करें, किसी भी कागज पे एक वृत्त बना लें, और वृत्त पे कोई चार बिंदु लेकर के आप एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, यानी सबको मिला करके एक चतुर्भुज बना ले। अब कैंची की सहायता से इसके जो कोण है वो कोण काट ले, ठीक है। अब इस कैंची की सहायता से इसके चारों कोण काट लेंगे। अब हम पाएंगे क्या, जो कि इसके जो सम्मुख कोण, ए के सामने वाला अपोजिट कोण, ए के सामने वाला कोण, ए और सी को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार कोण बी और कोण डी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अतः हम कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का योग 180 होता है। अब क्या दूसरा चतुर्भुज है हमारे पास PQRS, इसमें कह रहा है जो कि इसके अपोजिट जो सम्मुख कोण है, यानी पी और आर को जोड़ा तो 180 है, और एस और क्यू को जोड़ा तो भी 180 है। तो क्या इसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे? देखेंगे जो कि चक्रीय चतुर्भुज के दूसरा गुण क्या है। इसके सारे बिंदु जो है, सारे चतुर्भुज के सारे शीर्ष वृत्त पे होने चाहिए, तो वृत्त पर है, और इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है तो है। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 हो तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज का दूसरा गुण भी तो चाहिए, इसके सारे शीर्ष जो हो वो वृत्त पर हो। आइए कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और इसको इस ज्ञान को और बढ़ाएं। यहाँ पे दिया हुआ पहला प्रश्न दिया हुआ है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी ABCD ये वाला चक्रीय चतुर्भुज है और इसके विकर्ण एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती है। यदि DVC यानी DVC कौन कौन सा हो गया, देखिए DBCE यानी ये कौन, DBC 70 डिग्री दिया हुआ है, तो BAC 30 डिग्री दिया हुआ है, BAC यानी ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो BCD ज्ञात करना है, यानी BCD यानी ये पूरा कोण ज्ञात करना है। अब इसको करने के लिए हमने एक और चीज सीखा था, उसको भी एक बार ध्यान दीजिए। अब हमने सीखा था यदि दो यानी इसके एक ही चाप से बने कोण जो होते हैं शेष भाग, वृत्त के शेष भाग पर स्थित बिंदुओं पर बने कोण समान होते, कहां से, जब एक ही चाप के द्वारा वो बनाए गए होते, यानी ये बराबर होता है। इसको ध्यान में रखिए और फिर इसको हल करने का प्रयास कीजिए तो आपका हल जरूर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है BAC, यहाँ पे आपको दिया हुआ है BAC, तो BAC तो इस बिंदु यानी यहां से ये कोण 30 डिग्री का बना रहा है, तो यहां से दूसरा कोण क्या बनेगा, ये बनेगा, तो ये भी 30 डिग्री का बनेगा। तो यहां पे लिखे ये जो कोण होगा वो भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही जीवा से बने एक ही वृत्तखंड पर के कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण BAC बराबर में BDC हो गया। दूसरा आपको दिया हुआ है DBC, तो DBC
सी, अब देखिए हमारे पास ये कोण आ गया, ये कोण आ गया, तो और ये कोण चाहिए, तो यानी ये त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है जिसके दो कोण दिए गए हैं, ये 70 है, ये 30 है, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो BDC प्लस CBD प्लस BCD इक्वल टू 180, तो इस प्रकार BCD की वैल्यू 80 डिग्री आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा यहाँ पे कह रहा है आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS तथा भुजा PS को बिंदु A पर A तक बढ़ाया गया, यानी इसको A तक बढ़ाया गया है, तो PQR बराबर में 80 डिग्री दिया हुआ है, तो ASR ज्ञात कीजिए। ASR यानी ये कोण आपको ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं ये चक्रीय चतुर्भुज है, PQRS चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में ये कोण और ये कोण 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये तो 80 दिया हुआ है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बनाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं पी क्यू आर एस में ये दिया हुआ है, तो चक्रीय चतुर्भुज में यहाँ पे कोण क्यू भी लिख सकते हैं, और कोण आर पे दो जगह पर, तो ये दोनों मिलकर के पी एस आर पे 180 डिग्री हो रहा है, तो पी एस आर इजकल टू 180 डिग्री में से 80 घट जाएगा तो 100, और यह रैखिक युग्म से ये 80 आ जाएगा। ठीक, अब हमेशा की तरह स्वयं प्रयास कीजिए के तहत कुछ सवाल लिए जाते हैं, तो आइए उसको हल करें। यहाँ पे कह रहा है देखिए ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें ए सी और बी डी विकर्ण है, यानी ये विकर्ण है। अब हमें कह रहा है बी डी सी इजकल टू 55 डिग्री, तो पहले बी डी सी देखिए कहाँ पे है, डी बी सी यानी डी बी और सी ये कोण दिया हुआ है आपको 55 डिग्री, और बी ए सी, बी ए सी यानी ये कोण दिया हुआ है आपको 45 डिग्री। तो हमें बी सी डी ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, बी सी डी ये कोण ज्ञात करना है। तो देखिए ये 55 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री दिया हुआ, अब देखिए ये बी सी डी यानी यहां से जो कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होने चाहिए, यानी यहां पे लिख सकते हैं एंगल बी सी डी बी डी बी सी, डी बी सी जो है एंगल किसके बराबर होगा, सी डी ए सी के, डी ए सी इजकल टू 55 डिग्री क्यों होगा, दोनों जो है एक ही जीवा से और एक ही वृत्तखंड पर आधारित कोण है, तो ये लिख सकते हैं दोनों एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर आधारित कोण है, तो इसलिए बराबर होगा, तो यानी ये आपको निकल गया 55 डिग्री। अब इस पूरे को देखिए, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण BAD, ये दो कोणों का सम होगा, यानी इस BAD BAC और DAC का, तो BAC प्लस DAC दोनों कोणों का योग यहाँ पे दिया हुआ 45 डिग्री, BAC 45 डिग्री हो गया, और ये DBC 55 डिग्री हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों का योग 100 डिग्री हो जाएगा। अब ये कोण और ये कोण मिलकर के क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण जो है सम कोण बराबर, मतलब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे BAD प्लस BCD, यही एंगल आपको निकालना है, BCD तो बराबर में 180 डिग्री होना चाहिए, तो BAD तो 100 डिग्री दिया हुआ है, और BCD आपको निकालना है, तो 180 डिग्री, तो BCD इजकल टू हो जाएगा, एंगल BCD इजकल टू हो जाएगा 180 में से 100 गया, तो यानी 80 डिग्री, तो इसका वैल्यू आ गया 80 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे कह रहा पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण क्यू बराबर में 65 डिग्री तथा
कोण आर बराबर में 65 डिग्री हो, तो पी और एस ज्ञात कीजिए। तो ये आप जानते हैं जो कि दोनों कोणों का मतलब इस तरह के जो कोण होंगे समकोणों का योग जो होता है 180 होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो आप लिख सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल आर इजकल टू 180 होना चाहिए। तो एंगल पी और ये 65 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, तो एंगल पी इजकल टू क्या हो जाएगा 180 में से 65 गया तो इस तरह से 115 डिग्री। इसी प्रकार इसका भी जो एंगल होगा यानी ये एंगल और ये एंगल, एंगल Q प्लस एंगल S इजकल टू 180 डिग्री, तो एंगल Q का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है 65 डिग्री और ये दिया हुआ है एंगल S निकालेंगे तो 180 डिग्री, तो एंगल S इजकल टू हो जाएगा ये घटाएंगे तो 115 डिग्री। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।